बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 68 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया जा चुका है जो 12 फरवरी 2023 को हुआ था। इस वीडियो में हम लोग 68 के भी बारे में कुछ बात करेंगे और फाइनली 69 के बारे में बात करेंगे। 30 सितंबर 2023 को पीटी का डेट दिया गया है। सिलेबस प्लान और फ्यूचर प्लानिंग पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 68 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है 12 फरवरी को, उसके बारे में देख लेते हैं। इस बार जो थे वो 434,661 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि 3 लाख से ज़्यादा इस बार अपियर हुए थे कैंडिडेट। 68 की जो एग्जामिनेशन है काफ़ी, मतलब कि अब तक के बीपीएससी की हिस्ट्री में एक अच्छा माना जाएगा। काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन हुआ था, क्वेश्चंस पेपर से लेकर सारी चीज़ें जो भी अरेंजमेंट वगैरह थी लगभग सही थी। तो कट ऑफ के बारे में तो एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा प्रिडिक्ट है न्यूज़पेपर में कि 100 से नीचे रहेगा, 90 प्लस जो जनरल कैंडिडेट का है वो बताया जा रहा है। लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। आपने जो करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, जो रेगुलर टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चंस, यदि वो क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप मान के चलना कि कट ऑफ वही होता है। तो कट ऑफ पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जो अपना बीपीएससी की जो अलग अलग पीटी होती थी, सीडीपीओ की अलग होती थी या अदर जो भी एग्जामिनेशन थी उनकी अलग हो रही थी, अब वो एक ही में कंबाइंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर एक एग्जाम होगा, जो कि 30 सितंबर 2023 को एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। तो 69th की जो पीटी है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित है। 69th का अब फॉर्म कब आता है इसका वेट करना होगा। अप्रैल में तक आने की संभावना है जो 69th की पीटी की जो फॉर्म होगी वो। इसमें काफ़ी चेंज हुआ है एक्चुअली, 68 से ही मेंस का भी सिलेबस चेंज हो गया है। सेम चीज़ें जो हैं वो 69 में भी रहेंगी। चेयरमैन सर ने काफ़ी क्लियरली ये बात कहा है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस बार जो जनरल स्टडी पेपर वन और पेपर टू के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो रीअरेंज किए जाएंगे, जैसा कि ऑप्शनल में 67th में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अब पेपर कितने होंगे, चूँकि 69th एक्चुअली 68 में ही जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसका कुछ सिलेबस इस तरह से होगा, एक तो हिंदी और एक ऑप्शनल पेपर जो कि दोनों कॉमन है और ये कंपलसरी है और इसमें पास करना जरूरी है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। अब जो मार्क्स ऐड होंगे वो 3 पेपर के होंगे, एक GS1, GS2 और SA, 300 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जो SA का पेपर है जो 68 से ही हो रहा है, ये 69 में भी कंटिन्यू रहेगा, 300 मार्क्स का होगा, 3 सेक्शन होगा, सेक्शन 1, 2 और 3। 3 जो होगा एक्सक्लूसिवली बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, 4 टॉपिक होंगे इसमें, इसमें से एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। सेक्शन 1 में भी 4 टॉपिक होंगे जहां से कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 2 में भी 4 टॉपिक होंगे जहां से कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस तरह से टोटल 3 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, हर एक ऐसे 100-100 मार्क्स के होंगे। ये अपना ऐसे का सिलेबस और जो पैटर्न एग्जामिनेशन का वो है। नेक्स्ट, 69th जो पीटी है उसकी तैयारी कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, इस बार वाला जो पेपर हुआ है 68 वाला उसको एनालिसिस कीजिए बेहतर तरीके से। ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा वो अपने आंसर मैच करा लिए होंगे। जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो 69th में पहली बार अपियर हो रहे हैं वो इन क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हुए अपनी प्लानिंग करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार रहेगा। मेंस का हम लोगों ने बात कर ही लिया। जो नेक्स्ट जो 30 सितंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी के द्वारा, वो एक कॉमन टेस्ट ही होगा। 68 का जो पीटी का रिजल्ट है वो 24 मार्च तक आने की संभावना है। तो ये एक नया अपडेट था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन को लेकर।